दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। दोस्तों, बेंगलोर शहर, अगर आप सोच रहे हैं कि आपने ये शहर पूरा देख लिया है तो आपको बता दें कि आप इस मामले में बिल्कुल गलत हैं। इस शहर के बीच कई ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां पर नेगेटिव एनर्जी महसूस की गई है। इन स्थानों पर आत्मा, भूत प्रेतों से जुड़ी कई सच्ची घटनाओं के बारे में पता चलता है। रहस्य की पड़ताल में आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्थानों से रूबरू करवाएंगे जो बेंगलोर शहर की कुछ अलग ही पहचान सामने रखते हैं। आइए जानते हैं इस शहर के सबसे भूतहा स्थानों के बारे में। ये जगह बेंगलोर के सबसे प्रेतवादित स्थानों में गिनी जाती है। यहाँ एक घर है जिसे भूतहा माना जाता है। अगर आप भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं तो यहाँ जरूर आ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इस घर के मालिक की हत्या कर दी गई थी। इस घर का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान एक अंग्रेज ने करवाया था, जिसके बाद उसने ये घर अपनी दो बेटियां डॉल्से और वेरा को तोहफे में दे दिया। माना जाता है कि 2002 में डॉल्से की भी हत्या कर दी गई थी। बाद में उसकी बहन वेरा यहाँ से चली गई थी। तब से लेकर आज तक यहाँ पर कई रहस्यमय घटनाएं घट चुकी हैं। यहाँ रात तो क्या, दिन में भी रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ का तापमान सामान्य तापमान से बहुत कम रहता है। लोगों का ये भी मानना है कि इस घर के संपर्क में आते ही आपका शरीर कांपने लगता है। इस भूतहा बंगले पर हम फिर कभी विस्तार में एक वीडियो बनाएंगे। ओल्ड मद्रास रोड के पास स्थित ये कब्रिस्तान बेंगलोर के सबसे पुराने कब्रिस्तानों में से एक है, जो अपने प्रेतवादित अनुभवों के लिए जाना जाता है। यहाँ आने वाले कई लोगों ने अनोखी गतिविधियों को महसूस किया है। लोगों का कहना है कि कई बार यहाँ से गुजरने पर कुछ रहस्यमयी परछाइयों ने उनका पीछा किया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ एक आदमी की सिरकटी लाश घूमती हुई दिखाई देती है, जो थोड़ी देर बाद अपने आप गायब भी हो जाती है। माना जाता है कि कभी कभी इस इलाके की हवा इतनी भारी हो जाती है कि इंसान दम घुटने जैसा महसूस करने लगता है। अपनी इन्हीं रहस्यमयी गतिविधियों के कारण ये कब्रिस्तान शहर के सबसे डरावने स्थानों में गिना जाता है। ये जगह भी बेंगलोर के सबसे डरावने स्थानों में शामिल है, जहां प्रेतवादित गतिविधियों का सामना करना आम बात है। इस रास्ते से मोटर चालकों की कहानियां जुड़ी हैं। ये एक सुनसान सी सड़क है जिसके दोनों तरफ कब्रिस्तान मौजूद हैं। जानकारों के अनुसार रात के समय यहाँ एक बूढ़ी महिला वाहन चालकों से लिफ्ट मांगती हुई नजर आती है, लेकिन जैसे ही कोई उसे लिफ्ट देने के लिए गाड़ी रोकता है, वह तुरंत गायब हो जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ अलग तरह के वृक्षों में दुष्ट आत्माएं वास करती हैं। आमतौर पर ये बरगद का पेड़ होता है, जिससे ना जाने कितनी कहानियां जुड़ी हुई हैं। बेंगलोर से 150 किलोमीटर दूर टिपुर क्षेत्र में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ मौजूद है, जहां किसी प्रेत के निवास की बात कही जाती है। लोगों का मानना है कि उन्होंने यहां पर कई अनहोनियों को घटते हुए देखा है, जिस कारण यहाँ के निवासियों ने इस पेड़ को काटने का फैसला किया और पुजारियों की देखरेख में इस पेड़ को काटा गया। आज इस जगह वो पेड़ तो नहीं है, लेकिन रहस्यमय गतिविधियां आज भी महसूस की जा सकती हैं। भारत के कई हाईवे से भूत प्रेत की डरावनी कहानियां जुड़ी हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा बेंगलोर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 4 से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि कभी किसी वाहन चालक से यहाँ किसी जवान लड़की ने लिफ्ट मांगी थी। उस व्यक्ति ने उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर लड़की से पूछा कि उसे कहाँ जाना है, तो वो लड़की वहां से गायब हो गई। वाहन चालक ये देखकर अपनी गाड़ी तेजी से भगाने लगा। थोड़ी देर बाद उसे वो लड़की दोबारा जोर से हंसती हुई दिखाई दी।
दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।